इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डू अ चैलेंज जिसमें मैं अप्लाई करूंगी डी आई वाई राइस टूनर फॉर अ वी एंड फॉर अ वी मीन्स एवरी अल्टरनेटिव डेज बिकॉज हमें हर चीज लिमिट में ही लगानी चाहिए इट ड मैटर की वो कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है सबसे पहले मैं आपको मेरा पूरा रूटीन बता देती हूँ जो कि मैं फॉलो करने वाली हूँ बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग राइस वाटर सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश कर लूंगी इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा फेवरेट बायोडर्मा का फेस वॉश फेस को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो so देट हम जो नेक्स्ट स्टेप्स करने वाले हैं वो हमारे स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो पाए एंड उसके जो रिजल्ट है वो हमें मिल सके नाउ ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप मैं करूंगी अपने फेस को एक्सफोलिएट उसके लिए मैं यूज कर रही करूँगा ये बहुत ही जेंटल सा एक्सफोलिएटिंग जेल एंड ये सेकंड स्टेप को आपको रोज फॉलो नहीं करना है इसको आपको वीक में सिर्फ एक ही बार करना है जहाँ पर भी आपके व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है एंड ओवरऑल आपको पूरे फेस को क्लीन करना है सो so दैट जो भी हमारे फेस पे बिल्डअप एंड डर्ट वगैरह हो जाता है जिससे कि हमारे पोर्स वगैरह हो जाते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए एक्सफोलियेट करने के बाद हम करेंगे फेस को स्टीम सो so दैट जो हमारे पोर्स है फेस पे वो ओपन अप हो जाए एंड उस उसपे हम जो भी चीज लगाएं वो हमारे स्किन में डीपर पैंट्रेट होके हमें सही से रिजल्ट दे सके एंड इस प्रोसेस के लिए आपको कोई भी फेस स्टीमर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है आपको नॉर्मल पानी गर्म करना है एंड जैसे मैं ये क्लॉथ की हेल्प से इसको वेट करके अपने फेस पे लगा रही हूँ वैसे आप कर सकते हो ये सभी स्टेप्स फॉलो करने के बाद अब मैं लगाऊंगी डी राइस टोनर एंड इसको मैं नॉर्मली अपने फेस पे नहीं लगा रही हूँ मैं कॉटन पैड की हेल्प से इसमें डिप करके इसको देन अपने फेस पे अप्लाई करूंगी जस्ट लाइक टोनर पैड एंड अगर आप कोरियन स्किन केयर से फेमिलियर है तो आपको पता होगा तो टोनर पैड्स क्या है थोड़ी देर इसको फेस पे रखने के बाद देन मैं इसको रिमूव कर दूंगी एंड यू कैन सी मेरे फेस ने अच्छे से टोनर को एब्जॉर्ब कर लिया टोनर अप्लाई करने के बाद मैं करूंगी मेरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप विच इज अप्लाइंग आईस ऑन माइ फेस एंड इसके लिए मैंने सिर्फ पानी को फ्रीज नहीं किया था मैंने यूज किया था पानी की जगह रॉ मिल्क इस स्टेप को फॉलो करने से हमारे जो राइस टोनर का बेनिफिट है ना वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जिनकी भी ऑयली स्किन है उनको तो मैं जरूर से रिकमेंड करूंगी कि आप आइस को अपने फेस पे यूज करें बिकॉज इससे जो ऑयल प्रोडक्शन होता है ना वो बहुत कम हो जाता है बिकॉज अल्टीमेटली ये हमारे जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक कर देता है एंड रॉ मिल्क होता है वो हमारे स्किन को स्मूथ एंड ब्राइट करने में हेल्प करता है एंड इस स्टेप को आपको रोज फॉलो करना है आफ्टर अप्लाइंग राइस टोनर नेक्स्ट स्टेप इज टू मॉइस्चराइज योर फेस आप इसके लिए कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो मैं जो मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ वो है बायोडर्मा का एंड लास्टली आपको लगानी है सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करोगे तो इससे पहले जो आपने स्टेप्स किए हैं उसके आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे बिकॉज सनस्क्रीन हमारे स्किन में एक बैरियर की तरह वर्क करता है जिससे कि हमारा जो फेस है वो प्रोटेक्टेड रहता है सो माई डे वन इज नाउ फाइनली कम्पलीटेड एंड अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे सेकेंड डे पे सो दिस इज माई डे टू ऑफ अप्लाइंग डी आई वाई राइस टोनर ऑन माई फेस मैंने अपने फेस को ऑलरेडी क्लेंस कर लिया है अब मैं सीधा लगा रही हूँ डी आई राइस टोनर मैं डे वन की तरह सेम फेस पे अप्लाई करूंगी अगर आपके पास कॉटन पैड अवेलेबल नहीं है तो आप इसको नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो so see, कि मेरे पे तो नहीं लग रहे हैं की है, so हम हमें क्या अपडेट मिलता है वेलकम टू दर्ड डे ऑफ मी अपलाइस टोनर ऑन माई फेस एंड जैसा की आप देख सकते हो कि मुझे हुआ है थोड़े एक्म आई गेस ये मुझे राइस वॉटर से नहीं हुआ है दिस इज ऑल माई हो So अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिसन पैड एंड थोड़ी देर इसको रखने के बाद लूंगी एंड बिकॉज मेरी जो अभी थोड़ी हो रही है इसलिए मैं रोज वाला मॉइस्चराइजर की जगह यूज करूंगी सेंसिटिव स्किन वाला मॉइस्चराइजर इसका जो फॉर्मुला ना वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी है और बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है तो मेरी स्किन जब भी सेंसिटिव होती है तो मैं हमेशा इसी को प्रेफर करती हूँ सो दिस वॉज राइस टोनर एंड मेरा राइस टोनर है वो जस्ट खत्म होने ही वाला था सो so एज मैं आज भी ये सभी स्टेप्स फॉलो करूंगी एंड आई थिंक आप जरूरी नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारा ये चैलेंज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे जो स्किन का जो टेक्स्चर है उसी के साथ में जो मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राइट होता जा रहा है एंड प्रीवियस डे में जो मेरे एक्ने थे ना वो भी बहुत जल्दी हील हो गए थे सो so मैंने अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाया एंड आई एम डन फॉर द डे सो दिस द फाइनल डे ऑफ मी अप्लाइंग राइस टोनर तो फाइनल वर्डिक्ट इसमें देना चाहूंगी वो ये है कि जो मेरी स्किन है वो वन डे से ऑब्वियसली बेहतर हुआ है मेरा जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राइट हुआ है उसी के साथ में जो मेरी स्किन है वो इवन टोन हो गई है तो so, मैं आपको जरूर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर से ये ट्राई करके देखना ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल